हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज के लेक्चर में पंचविध कषाय कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस और कल्क को कवर करेंगे और बाकी क्वाथ, हिम और फांट जो है अगले लेक्चर पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आज का मेन पॉइंट क्या है? पंचविध कषाय कल्पना। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले पंचविध कषाय कल्पना शब्द का मतलब समझेंगे कि क्यों इसे पंचविध कषाय कल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पंचविध कषाय कल्पना जो है वो तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है पंचविध, दूसरा है कषाय, तीसरा क्या है? कल्पना। ठीक है, तो पंचविध का मतलब क्या होता है? पांच तरह की। कषाय का मतलब क्या है? कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणाम वा अपिकर्षणात्। कषाय शब्द प्रधान्यात् सर्वयोगेषु कल्प्यते। अर्थात क्या कहा गया है? कंठस्य कषणात्, जो कंठ में कर्षण करता हो, मतलब कंठ में लगने के कारण, अवरोध पैदा करने के कारण, प्रायो रोगाणाम वा अपिकर्षणात्, प्रायः रोगों का कर्षण करता हो, मतलब कि कंठ में लगना, अवरोध पैदा करना और रोगों को नाश करने के कारण इसे कषाय कहा गया है। ठीक है, फिर ये क्या कहा है? कषाय शब्द प्रधान्यात् सर्व योगेषु कल्प्यतः। सभी योगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो कषाय होता है वो क्या होता है? रोगाणाम वा अपिकर्षणात्, रोगों का नाश करता है, वो कंठ में अवरोध पैदा करने वाला होता है, इसलिए कषाय शब्द को सभी योगों में प्रधान रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अर्थात कंठ में लगने अथवा अवरोध पैदा करने से और रोगों का नाश करने के कारण सभी योगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कषाय कल्पना क्या है? औषध द्रव्यों को नष्ट करने के बाद ही प्राप्त होती है ना। फिर इन कषाय कल्पनाओं द्वारा ही औषधियों को क्या करते हैं? सेवन योग्य बनाया जाता है। किसी भी औषधि का सेवन योग्य बनाना कषाय कल्पनाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कषाय शब्द का मतलब समझ लिया कि कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणाम वा अपिकर्षणात्, मतलब कि जो कंठ में कर्षता लाता हो, कंठ में अवरोध पैदा करता हो और प्रायः रोगाणाम वा अपिकर्षणात्, मतलब रोगों को नाश करता हो, रोगों का कर्षण करता हो, उसे क्या कहते हैं? कषाय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने पंचविध शब्द का मतलब समझा कि पंचविध का क्या है? पांच तरह। कषाय शब्द का भी मतलब समझ लिया कि जो रोगाणाम वा अपिकर्षणात्, जो रोगों का नाश करता हो, और कंठस्य कषणात्, जो कंठ में लगता हो, उसे क्या कहते हैं? कषाय कहते हैं। अब बात करते हैं कल्पना की। कल्पना किसे कहते हैं? कल्पना उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी द्रव्य वस्तु में कार्य करने की शक्ति उत्पन्न की जाती है, उसे कल्प या कल्पना कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पंचविध कषाय कल्पना का अपन यहाँ पे मतलब समझ लिया। ठीक है, अब देखिए पंचविध कषाय कल्पना का संदर्भ ग्रंथ देखते हैं, कहाँ पर पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया है। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय चार में पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया है और सारंगधर संहिता के मध्यम खंड एक में पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि पंचविध कषाय कल्पनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे ये वाला श्लोक आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचविधम कषाय कल्पनम इति तत्था स्वरसः कल्कः श्रितः सीतः फांटः कषाय इति। पंचविध कषाय कल्पना कौन कौन सी है? स्वरस, कल्क, श्रित, सीत, फांट। ठीक है, ये पांच कषाय कल्पना है आचार चरक के अनुसार। ठीक है, फिर क्या कहा है? तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम। ये यथा पूर्व क्या होती है? बल अधिक होती, मतलब यथा पूर्व क्या होती है? गुरु होती है। तो यहाँ पर स्वरस कल्पना जो है वो सर्वाधिक गुरु कल्पना है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार चरक के अनुसार बोला भी गया है कि स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फाट। स्वरस जो होता है सबसे गुरु कल्पना होती है और उत्तरोत्तर क्या होते हैं? लघु होते जाते हैं। ठीक है, अतः कषाय कल्पना व्याध्य आतुर बल आपेक्षणी नात्वा एवं सर्वाणी सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। अतः कषाय कल्पना का जो प्रयोग व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करता है, क्योंकि पंचविध कषाय कल्पनाओं का सभी रोगों में समान रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लिखा भी हुआ है नात्वा एवं सर्वाणी सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति, मतलब कि सभी रोगों में समान रूप से कषाय कल्पनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। कषाय कल्पनाओं का प्रयोग जो होता है व्याध आतुर बल आपेक्षणी, मतलब कि व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप ये वाला श्लोक याद कर लेना, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो यहाँ पर देखिए आचार्य चरक के अनुसार क्या बोला है, स्वरस कल के क्वात ही मोरपान। तो स्वरस जो है सबसे गुरु कल्पना है और ये उत्तरोत्तर क्या होते हैं, लघु होते जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं मानी थी, उन्होंने क्षीर को ऐड कर दिया था, तो क्षीर यहाँ पे सबसे गुरु है, उत्तरोत्तर क्या होते हैं, ये लघु होते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, सबसे पहले पंचविध कषाय कल्पना का मतलब समझा कि पंचविध मतलब होता है 5, कषाय का मतलब होता है जो रोगों का नाश करता है उसे क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं, और जो कार्य को करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। ठीक है, इसका संदर्भ ग्रंथ क्या था, चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 4 में और सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक के अनुसार पंचविध कषाय कल्पना भी देख ली थी, कौन कौन सी है, स्वरस कल कृषित शीत और पांड। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो तेषाम यथा पूर्व वलाधिक्यम, मतलब कि स्वरस कल्पना जो होती है सबसे गुरु कल्पना होती है, उत्तरोत्तर क्या होते हैं, लघु होती जाती है। ठीक, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कषाय कल्पना कौन कौन से आचार्य ने कितनी मानी है। तो आचार्य चरक, बागभट्ट और सारंगधर जी ने कितनी मानी, पंचविध कषाय कल्पना मानी, कौन कौन सी, स्वरस कल कृषित और फांड। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने सर्वित कल्पना मानी, इन्होंने छीर को ऐड कर दिया है ना। आचार्य काश्यप ने सत्यविध कल्पना मानी है, तो इन्होंने पंचविध में 2 कल्पना ऐड कर दी है, चूर्ण और अभिसव। तो आपको ये वाला चार्ट याद करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य चरक ने पंचविध कषाय कल्पना मानी है तो कौन कौन सी कल्पनाएं मानी, आचार्य बागभट्ट सारंगधर ने कितनी विध कल्पनाएं मानी है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आचार्य चरक, बागभट्ट और सारंगधर जी ने पंचविध कषाय कल्पना मानी है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आचार्य सुश्रुत ने कितनी कल्पनाएं मानी है, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वविध कषाय कल्पना होती है। तो आचार्य सुश्रुत ने 6वीं कौन सी कल्पना को ऐड किया है, तो उसका आंसर क्या होगा, छीर होगा। ठीक है, इसी तरह से आचार्य काश्यप के अनुसार भी बन सकती है कि आचार्य काश्यप जी ने कितनी कषाय कल्पनाओं को माना है, तो इसका आंसर क्या होगा, सप्तविध, इन्होंने 2 कल्पनाओं को ऐड किया है, चूर्ण और अभिसव। ठीक है, तो आपको ये वाला चार्ट याद करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब चलिए देखते हैं कि द्रव्यों के वीर अनुसार कल्पना, मतलब कि जो कल्पना है, कल्पना में जो द्रव्य है उनका वीर किस महाभूत से लिया गया है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्वरस और क्वाथ कल्पना में जो द्रव्य होते हैं उनका वीर क्या होता है, जल्यांश की अधिकता होने पर। ठीक है, अगर जल्यांश की अधिकता है तो उसको स्वरस और क्वाथ कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि स्वरस और क्वाथ दोनों ही लिक्विड है, लिक्विड में जल की मात्रा अधिक होगी, तो वहां पर जल महाभूत से लिया गया है कि इसके में जल्यांश की, मतलब जल महाभूत की अधिकता होगी। ठीक है, फिर क्या बोला है, चूर्ण कल्पना, चूर्ण कल्पना में क्या बोला है, पार्थिव अंश की अधिकता होने पर। चूर्ण कल्पना में जो द्रव्यों को जो वीर होगा वो क्या होगा, पार्थिव महाभूत की प्रधानता होगी, मतलब पार्थिव अंश होगा। ठीक है, फिर क्या है, कल्क कल्पना, कल्क कल्पना क्या होता है, सूखा होता है और गीला होता है, कल्क जो तो सूखा भी होता है गीला भी होता है, तो सूखा भी है गीला भी है, तो पार्थिव और जल्यांश की अधिकता होने पर कल्क कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, चौथा, सुगंधी द्रव्य के होने पर कल्क हिम फांट चूर्ण और बटी का निर्माण करना चाहिए, क्वाथ का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुगंधी द्रव्य होगा उसका क्वाथ बनाएंगे तो जो उसका उड़नशील द्रव्य होगा, उड़नशील गंध होगी, वो उड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि सुगंधी द्रव्यों का क्वाथ नहीं बनाना है, क्या बनाना है, कल्क हिम फांट चूर्ण और बटी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा कि स्वरस और क्वाथ कल्पना के द्रव का वीर किस महाभूत से प्रधानता रख रहा है, तो यहाँ पर किस महाभूत की प्रधानता, जल्यांश की प्रधानता, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्वरस क्वाथ कल्पना किस वीर की करनी चाहिए, किस वीर की अधिकता वाले करना चाहिए, तो यहाँ पर जल्यांश की अधिकता होने पर स्वरस या क्वाथ कल्पना करना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे चूर्ण कल्पना के लिए भी बन सकता है कि चूर्ण कल्पना में किस महाभूत से समानता बताई गई, तो पार्थिव अंश से बताई गई है। कल की कल्पना में भी यही है कि पार्थिव और जल्यांश महाभूत की प्रधानता से समानता बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, सुगंधी द्रव्यों की कौन सी कल्पना नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सुगंधी द्रव्य की क्वाथ कल्पना, क्वाथ का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पंच कषाय योनिया कौन कौन सी हैं। पंच कषाय योनाय इति मधुर कषायो अम्ल कषाय कटु कषाय तिक्त कषाय कषाय कषायस्य च इति तंत्रे संज्ञा। पंच कषाय योनि बताई गई है, पंच कषाय योनियों से पंचविध कषाय कल्पना की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो पंच कषाय योनि कौन कौन सी है, मधुर कषाय, अम्ल कषाय योनि, कटु कषाय,
तिक्त कसाय कसाय कसायोनी। ठीक है, तो आपको इसको कैसे याद करना है, आप रस याद कर लो, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। तो यहाँ पर लवण रस को छठी कसायोनी नहीं माना गया है, क्योंकि ये लवण रस जो होता है इससे किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसको जल पे अगर घोल लेंगे तो पूर्ण रूप से क्या होगा, मिल जाएगा उसमें, इसलिए लवण रस को कसायोनी में नहीं रखा गया है। तो रस में से लवण रस को हटा करके बाकी के जो पांच बचे हैं वही अपनी क्या है, कसायोनी। ठीक, चलिए एक बार यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने अभी क्या क्या पढ़ा, पंचविध कषाय कल्पना के बारे में पढ़ा कि पंचविध कषाय कल्पना क्या है। पंचविध पांच तरह के होता है। कषाय का मतलब वही जो रोगों को कर्षण करता हो, कंठ में कर्षण करता हो, कंठ में लगता हो, उसे क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं। तो यहाँ पर एक दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कषाय की परिभाषा बताइए, तो आपको ये वाला श्लोक याद होना चाहिए। अगर श्लोक बाय चांस नहीं याद हो पाता है तो आपको हिंदी तो जरूर ही याद होना चाहिए, क्योंकि दो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कसाय को परिभाषित करिए, ये कसाय के बारे में वर्णन करिए, कसाय में लिखिए, कुछ भी क्वेश्चन दो नंबर में आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर मेनली ये वाला श्लोक याद कर लेना, कंठस्थ कर्षणात् प्रायो रोगणां वा अपि कर्षणात्, सिर्फ यहाँ तक याद कर लेना, ये सफिशियंट है। ठीक है, आप दो नंबर पे इतना श्लोक लिख देना और इसके अलावा इसकी हिंदी लिख देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वाला कषाय शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, दो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर इसका संदर्भ ग्रंथ पढ़ा था कि चरक सूत्र स्थान में और सारंगधर संहिता मध्यम खंड में। फिर ये वाला श्लोक तो बोला ही था कि आपको याद ही होना चाहिए पंचविध कषाय कल्पना का। ठीक, फिर यहाँ पे ये वाला चार्ट बोल रहा था कि आचार के अकॉर्डिंग, अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग कल्पना पता होनी चाहिए कि इन्होंने कितनी कल्पनाएं मानी है, है ना। फिर द्रव्यों के वीर के अनुसार कल्पना बताई थी कि यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि स्वरस्क्वाद कल्पना में किस महाभूत से समानता रखी गई, तो जलयांश से, चूर्ण कल्पना में पार्थिव अंश से, कल के कल्पना में पार्थिव जलयांश दोनों से रखी गई, असुगंधित द्रव्य के कौन सी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्वाद कल्पना नहीं करनी चाहिए। पंचकषाय योनि भी देख लिया कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन पंचविध कषाय कल्पना का पहली कल्पना स्वरस कल्पना। ठीक है, स्वरस कल्पना को एक्सप्रेस्ड जूस भी कहा जाता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं स्वरस कल्पना में। सबसे पहले स्वरस कल्पना का अपन क्या पढ़ेंगे, पर्याय पढ़ेंगे स्वरस कल्पना को, और क्या क्या पर्याय है इसका, रस है, स्वरस और निर्यास। ठीक, इसके पर्याय है, पर्याय आप याद कर लेना। फिर इसे क्या बोलते हैं, पंचविध कषाय कल्पना की क्या है, प्रथम कल्पना है और ये सर्वाधिक गुरु और बलवान कल्पना होती है, है ना। अपन ने पढ़ा भी था वहां पे श्लोक क्या पढ़ा था, यथा पूर्वम बल आधिक्य, मतलब कि ये यथा पूर्व जो होती है गुरु होती है कल्पना, है ना। तो यहाँ पर स्वरस कल्पना जो होती है सर्वाधिक गुरु और बलवान कल्पना होती है। अब इसका क्या बोले, यहाँ पे सवीरता विधि जो होती है इसकी तत्काल होती है। सवीरता विधि उसे कहते हैं किसी भी कल्पना का निर्माण होने के बाद वो कितने समय तक गुणवान है, वीरवान है, कितने समय तक वो रोगों का समन कर रही है, उसे क्या कहते हैं, सवीरता विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सवीरता विधि क्या है, तत्काल, मतलब अगर इसका तुरंत जो तुरंत रस निकालना है तो इसका तुरंत सेवन करना है। अगर इसका मान लो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद इसका सेवन कर रहे हैं तो उतनी वीरवान गुणवान नहीं रहेगी जितनी तत्काल में रहेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सवीरता विधि का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी कल्पना का निर्माण करने के बाद वो कितने समय तक, अवधि मतलब वो कितने समय तक वीरवान है, गुणवान है और कितने मतलब कि रोगों का समन कर रही है, वह उसकी सवीरता विधि कहलाती है। तो स्वरस की सवीरता विधि कितनी है, तत्काल है। ठीक है, इसको तुरंत बनाओ और तुरंत पी जाओ। ठीक, अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है, यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव आदृशः स्वरस उच्यते, मतलब कि यंत्र में दबाकर, निष्पीड़न मतलब क्या होता है, दबाकर यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव आदृशः स्वरस उच्यते, मतलब कि यंत्र में दबाकर निष्पीड़न करके निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं, स्वरस कहते हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या बताया स्वरस की परिभाषा, कि यंत्र में निष्पीड़न दबाकर निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं, स्वरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि स्वरस का पर्याय क्या होता है, रस, स्वरस, निर्यास। ये पंचविध कषाय कल्पना की प्रथम कल्पना है और ये गुरु और बलवान है और इसकी सावीरता विधि कितनी होती, तत्काल होती। इसकी परिभाषा का आप ये वाला श्लोक याद कर लेना, यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव आदृशः स्वरस उच्यते, आचार्य चरक के अनुसार है। इन्होंने क्या बोला है कि यंत्र में दबाकर निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं, स्वरस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि स्वरस निर्माण की विधि बताई गई है। तो यहाँ पर स्वरस निर्माण की 3 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है सामान्य विधि,
दूसरी है अनुकल्प विधि और तीसरी क्या है पुटपाक विधि है। समान विधि क्या है, इसमें तुरंत औषधि को उखाड़ कर लाओ और कूटो और कपड़े में दबा करके उसका रस निकाल लो, उसे स्वरस कहते हैं। जैसे घर में भी नॉर्मली यूज होता है कि सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, तुलसी का पत्र तोड़ते हैं और उसको थोड़ा सा कूट लेते हैं और हाथ में या कपड़े से छान लेते हैं और जो रस निकलता है उसको शहद के साथ मिला करके पी लेते हैं। ठीक है, तो वही है सामान्य विधि। क्या कहा गया है, तुरंत उखाड़ कर लाई हुई औषधि को कूट कर कपड़े से निष्पीड़न कर निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वरस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तुलसी पत्र स्वरस, आदरक स्वरस। ठीक, ये सामान्य विधि हुई। दूसरी विधि क्या है, अनुकल्प विधि। अनुकल्प विधि में क्या बोला है इन्होंने, शुष्क द्रव्य के चूर्ण को, ठीक है, अगर आर्द्र द्रव्य नहीं है तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, शुष्क द्रव्य के चूर्ण को समान भाग या द्विगुने जल में डालकर 24 घंटे भिगो कर रखने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको मसल लेंगे और वस्त्र से छान लेंगे, फिर जो रस प्राप्त होगा वो क्या होगा, स्वरस होगा। लेकिन इस विधि में क्या करेंगे, 24 घंटे की आवश्यकता होती है, मतलब जो शुष्क द्रव को जो चूर्ण है उसको 24 घंटे तक पानी में डुबा कर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अनुकल्प विधि। तो शुष्क द्रव्य के चूर्ण को समान भाग द्विगुण जल में डालकर अहोरात भिगो कर रखने पर मसल कर वस्त्र से छान लेने से जो उत्तम रस प्राप्त होता है जिस विधि से, उसे क्या कहते हैं, अनुकल्प विधि कहते हैं। तो अनुकल्प विधि से किसका स्वरस निकाला जाता है, ब्राह्मी स्वरस का निकाला जाता है। ठीक है, फिर तीसरी विधि क्या है, पुटपाक विधि। पुटपाक से ही समझ में आ रहा है कि पुट में पाक करना, ठीक है, जिसमें पुट में पाक करके जिसका स्वरस निकाला जाता है वो क्या है, पुटपाक विधि है। तो पुटपाक विधि से किन द्रव्यों का स्वरस निकालते हैं, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो कि ताजे भी रहते हैं, आर्द्र भी रहते हैं, उनको कूटेंगे पीसेंगे लेकिन फिर भी उसका स्वरस नहीं निकलता है, तो उन द्रव्यों के लिए क्या करते हैं, पुटपाक विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जिनके आर्द्र एवं ताजा होने पर भी कूटने पीसने से स्वरस नहीं निकलता है या कम निकलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्ब पत्र, बासा पत्र, विल्व पत्र, कुटज पत्र का स्वरस किस विधि से निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पुटपाक विधि होगा। ठीक है, पुटपाक विधि जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट विधि है स्वरस निर्माण में। ये अलग से भी 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वरस निर्माण में पुटपाक विधि का विस्तृत वर्णन करिए, तो आप पुटपाक विधि को थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप। ठीक है, तो आप यह वाला एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा, निम्ब पत्र, वासा पत्र, विल्व पत्र, कुटज पत्र जो होते हैं इनका स्वरस पुटपाक विधि के द्वारा निकाला जाता है। ठीक, तो अब चलिए पुटपाक विधि को थोड़ा सा यहाँ पर अपन पहले डायग्राम के थ्रू पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसका डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम बताया गया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, कल्क मतलब पिंड जैसा गोला बनाएंगे। ठीक है, फिर गोला बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें वट पत्र का बंधन करेंगे। ठीक है, वट पत्र का बंधन करेंगे। वट पत्र के बंधन करने के बाद क्या करेंगे, तीसरे नंबर में गोधूम का 1 अंगुल लेप करेंगे। फिर गोधूम के 1 अंगुल लेप के बाद क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी का 2 अंगुल लेप करेंगे। ठीक है, इस तरह से अपन ने क्या किया, सबसे पहले गोला बनाया, गोला के ऊपर क्या किया, वट पत्र के द्वारा बंधन कर दिया, फिर वट पत्र के बंधन में गोधूम का 1 अंगुल लेप किया और फिर उसके ऊपर क्या किया, चिकनी मिट्टी का 2 अंगुल लेप कर दिया। अब ये कंप्लीट हो गया, लेप हो गया, अब इसको क्या करेंगे, अग्नि में पाक करेंगे, है ना। तो अग्नि में पाक करने के बाद क्या करेंगे, जब अग्नि में पाक हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे, अग्नि से निकाल करके मिट्टी, आटे एवं पत्र आदि को हटा करके जो गोला बनाया था, गर्म कल्क को वस्त्र से निचोड़ेंगे, उससे क्या निकलेगा, स्वरस निकलेगा। ठीक है, कल्क का निर्माण कैसे किया गया है, जो ऊपर औषधियां थी ना, ये निम्ब पत्र, वासा पत्र, विल्व पत्र, कुटज पत्र, इन सबको कूट करके पिंड जैसा गोला बना लिया है और उसी को क्या किया है, उसके ऊपर ही वट पत्र का बंधन किया है, फिर क्या गोधूम का लेप कर दिया, फिर चिकनी मिट्टी का, फिर अग्नि में पाक करेंगे, उसे क्या करेंगे कि जब अग्नि में पाक हो जाएगा तो जो भी लेप किया है, बंधन किया, उसको हटा देंगे और गर्म कल्क जो गोला बनाया है उसको वस्त्र निचोड़ेंगे तो स्वरस मिल जाएगा। ये विधि क्या कहलाती है, पुटपाक विधि कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा चलिए यहाँ पे अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। यदि पुटपाक विधि को पढ़ते कैसे है, यदि आर्द्र द्रव्य हो तो उसका क्या करेंगे, शिला पर पीस कर पिंड जैसा गोला बनाएंगे, मतलब कल्क यानी कि पिंड जैसा गोला बनाएंगे। यदि शुष्क द्रव्य है तो उसका क्या करेंगे, कपड़ छन करके चूर्ण कर लेंगे और चूर्ण में क्या करेंगे, जल मिलाकर उसका पिंड जैसा गोला बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 द्रव्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आर्द्र द्रव्य है तो उसका क्या करेंगे, शिला में पीसेंगे,
कल्क बनाएंगे, चटनी बनाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे थोड़ा गोला बना लेंगे। अगर शुष्क द्रव्य है तो उसका चूर्ण करेंगे, चूर्ण करके उसमें जल मिलाएंगे, उसका गोला बनाएंगे। ठीक है, ये अपन ने सबसे पहले क्या किया, गोला बना लिया। अब गोला बनाने के बाद क्या करेंगे कि गोले या पिंड पर वट पत्र, गंभारी पत्र, जम्बू पत्र आदि का लपेट कर धागे से बांध देंगे। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पुटपाक विधि में किसका बंधन करते हैं, तो वट पत्र का, गंभारी पत्र का, जम्बू पत्र आदि का लेप बंधन करते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला भी याद कर लेना। वैसे मेनली वट पत्र ही पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बाकी अगर दो नंबर में आता है कि पुटपाक विधि में किस, पुटपाक विधि में पिंड या कल्क में क्या करते हैं, किसको बांधते हैं, कौन से पत्र को बांधन में यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वट पत्र, गंभारी पत्र या जम्बू पत्र आदि पत्र। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, वट पत्र का अपन ने बंधन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, गोधूम मतलब कि गेहूं के गुथे हुए आटे का एक अंगुल मोटा लेप करेंगे। ठीक है, एक अंगुल मोटा लेप कर दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मुल्तानी मिट्टी का दो अंगुल मोटा लेप करेंगे, मतलब कि गोधूम के एक अंगुल मोटा लेप के ऊपर ही मुल्तानी मिट्टी का दो अंगुल मोटा लेप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अपन ने क्या किया, गोला बना लिया, फिर उसके ऊपर वट पत्र को बांध दिया, फिर गोधूम का एक अंगुल मोटा लेप कर दिया, मुल्तानी मिट्टी का दो अंगुल मोटा लेप कर दिया, इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कुछ देर सुखाने के बाद वन्य उपल गौम अग्नि की अग्नि में क्या करेंगे, लाल वर्ण होने तक इसका पाक करेंगे। ठीक है, जब ये सूख गया है तो इसको वन उपल में मतलब जो कंडे होते हैं उसमें अग्नि में पाक करेंगे, और तब तक पाक करेंगे जब तक ये लाल वर्ण का ना हो जाए। जब लाल वर्ण का हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, तुरंत उस गोले को अग्नि से निकाल करके मिट्टी आटे एवं पत्र आदि को क्या करेंगे, हटाकर गर्म कल्क को वस्त्र से निचोड़कर क्या करेंगे, स्वरस निकल आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब लाल वर्ण का हो जाएगा तो उसको तुरंत अग्नि से उतारेंगे, अग्नि से निकाल कर क्या करेंगे, उसका मिट्टी आटा जो भी पत्र जो भी अपन ने लेप किया तो उसको हटाएंगे, और जो कल्क था, जो पिंड बनाया था, वो गर्म कल्क को भी क्या करेंगे, वस्त्र से निचोड़ने पे क्या हो जाएगा, स्वरस प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये पुटपाक विधि के द्वारा स्वरस निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पुट में पकाए जाने पर ही स्वरस निकलता है, इसलिए इसे पुटपाक विधि कहा जाता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि पुटपाक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि पुट में पाक करने से स्वरस निकलना है, इसलिए इसे पुटपाक विधि कहा गया है। ठीक, तो आप ये आपको पुटपाक विधि समझ में आ गया कैसे करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे डायग्राम से भी समझ लिया था कि क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कल्क का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सबसे पहले कल्क पिंड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, वट पत्र को बांध देते हैं, तो यहाँ पर भी सबसे दूसरे नंबर में क्या किया, वट पत्र का बंधन कर दिया। फिर तीसरे नंबर में क्या बोला कि गोधूम का एक अंगुल मोटा लेप करेंगे, तो यहाँ पर भी गोधूम का एक अंगुल मोटा लेप के यहाँ पे बताया आपको। फिर बोला चिकनी मिट्टी का दो अंगुल मोटा लेप करेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसा बोला कि लास्ट में क्या करेंगे, चिकनी का दो अंगुल मोटा लेप करेंगे। फिर अग्नि में पाक करने के बाद क्या करेंगे, जो भी अपन ने लेप किया, पत्र का बंधन किया, उसको हटाएंगे, और जो पिंड था उसको गर्म पिंड को ही, गर्म कल को क्या करेंगे, वस्त्र से निचोड़ेंगे, उससे स्वरस निकल जाएगा। इस तरह से स्वरस का प्राप्त करना क्या कहलाता है, पुटपाक विधि कहलाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि स्वरस निर्माण की पुटपाक विधि आप समझाइए, पांच नंबर में आता है, तो आप पहले सबसे पहले थोड़ा सा आप स्वरस के बारे में बताओगे कि स्वरस किसे कहते हैं। ठीक है, स्वरस की आप परिभाषा बता दोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, पुटपाक विधि। तो पुटपाक विधि में पहले आप तो कोशिश यही करना कि आप पहले डायग्राम बनाना। ठीक है, क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर अगर डायग्राम से अगर आप समझा देते हो ना एग्जामिनर को, तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर देगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आता है क्वेश्चन में स्वरस निर्माण विधि में पुटपाक विधि का वर्णन करिए, सबसे पहले आप स्वरस का डिफिनेशन बताओगे। ठीक है, अगर हो सके तो पर्याय भी बता देना, अगर आपको पर्याय याद है तो पर्याय, स्वरस का, स्वरस की परिभाषा, फिर उसकी निर्माण विधि आ जाओगे सीधे आप कहाँ पे, पुटपाक विधि में। पुटपाक विधि में पहले आप एग्जांपल दोगे किसका पुटपाक किया जाता है, कौन से पत्र का, कौन से द्रव का पुटपाक विधि स्वरस निकल, वो आप एग्जांपल दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में पहले बनाओगे, फिर डायग्राम फॉर्म के बाद अगर आपके पास अगर टाइम बच रहा है फिर आप इसको डिटेल से लिख देना। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क, पांच नंबर का क्वेश्चन है तो चार या साढ़े चार नंबर तो देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने एक क्वेश्चन कवर कर लिया है कि स्वरस निर्माण में पुटपाक विधि का विस्तृत वर्णन करिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है स्वरस की मात्रा, स्वरस की मात्रा क्या है। यहाँ पर अपन ने पहले बताया था सामान्य विधि से स्वरस निर्माण, सामान्य स्वरस की जो मात्रा कितनी बताई गई है, अर्ध पल या दो तोला बताई गई है। ठीक है, आधुनिक मात्रा में कितनी, उसके 24 ml, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है, अनुकल्प स्वरस और पुटपाक स्वरस की मात्रा कितनी बताई गई है, एक पल
एक पल चार तोला मतलब 48 ml बताए गए। तो आपको यहाँ पर दो मात्रा याद करनी है, सामान्य स्वरस की मात्रा कितनी है, अर्ध पल दो तोला 24 ml है, और पुटपाक स्वरस अग्नि सॉरी और पुटपाक स्वरस और अनुकल्प स्वरस की मात्रा कितनी है, एक पल है 48 ml। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य स्वरस से आपको याद हो जाएगा कि मतलब अनुकल्प पुटपाक स्वरस की मात्रा कितनी जाएगी, एक पल, और एक पल का आधा कितना हुआ, सामान्य स्वरस अर्ध पल होगा, तो अर्धपल 48 और 24। ठीक, तो इस तरह से अपन ने स्वरस की मात्रा देख ली, तो यहाँ पर आपको मात्रा कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं कि स्वरस कल्पना का चिकित्सीय महत्व क्या है। तो चिकित्सीय महत्व में सबसे पहले पढ़ते हैं आद्रक स्वरस। तो आद्रक स्वरस को क्या कह रहे हैं, आद्रक का स्वरस मधु या शहद मिलाकर पीने से क्या होता है, वृषणगत वात, श्वास का अरुचि और प्रतिसाय को नष्ट करता है। अगर आद्रक स्वरस को मधु के साथ अगर पी रहे हैं मिलाकर, तो क्या हो रहा है कि श्वास का अरुचि, प्रतिसाय और वृषणगत वात को नष्ट करता है। आपके घर में भी नॉर्मली यूज होता होगा, जब सर्दी जुकाम हो जाती है किसी को, तो अदरक का स्वरस निकाल करके शहद में मिलाकर पिला देते हैं, उसमें क्या होता है, लाभ मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, तुलसी स्वरस। तुलसी स्वरस का क्या है, तुलसी पत्र का स्वरस, द्रोणी पुष्प का स्वरस या मरीच चूर्ण मिलाकर पीने से विषम ज्वर को नष्ट करता है। तुलसी पत्र स्वरस को क्या करेंगे, मरीच चूर्ण के साथ मिला के पियेंगे तो विषम ज्वर नष्ट होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, वासा पुटपाक स्वरस। पुटपाक विधि से निर्मित वासा पत्र स्वरस को मधु मिलाकर पीने से क्या हो रहा है, रक्त पित्त काश ज्वर और क्षय को जीतता है। ठीक है, इस तरह से अपन ने स्वरस कल्पना का चिकित्सीय महत्व भी देख लिया कि आद्रक स्वरस किस में काम आ रहा था, वृषणगत वात, श्वास काश अरुचि और प्रतिसाय को नष्ट कर रहा था, और तुलसी स्वरस क्या कर रहा था, विषम ज्वर को नष्ट कर रहा था अगर इसका मरीच चूर्ण मिलाकर पी रहे हैं तो, अगर वासा पुटपाक स्वरस को क्या कर रहा है, वो रक्त पित्त काश ज्वर और क्षय में लाभकारी था। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने स्वरस कल्पना का चिकित्सीय महत्व देख लिया। अब चलिए देखते हैं कि स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य का मान क्या होता है, प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा क्या होती है। प्रक्षेप द्रव्य क्या होते हैं, किसी भी कल्पना को अधिक स्वादिष्ट बनाना, अधिक प्रभावकारी बनाना या शीघ्र कार्यकारी बनाना, क्या कहलाते, बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे प्रक्षेप द्रव्य को मिलाया जाता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे दाल में तड़का लगाना, ठीक है, दाल में तड़का लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अधिक स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक है, जिससे ज्यादा अच्छा खाना लगता है। इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि किसी भी कल्पना को अधिक स्वादिष्ट बनाना, अधिक प्रभावकारी और कार्यकारी बनाने के लिए प्रक्षेप द्रव्यों को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्वरस में मधु, शर्करा, गुड़, छार, जीरक, लवण, घृत, तेल और चूर्ण आदि डालते हैं, जिनकी मात्रा कितनी होती है, एक कोल मात्रा होती है, कितने ग्राम, 6 ग्राम के बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर पुटपाक विधि से निर्मित स्वरस है तो उसमें मधु कितना है, एक कर्स जो होता है वो 12 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पुटपाक विधि से निर्मित स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा कितनी होती है, तो एक कर्स होती है। ठीक है, और नॉर्मल ऐसा पूछ सकते हैं कि स्वरस में मधु, शर्करा, गुड़, घृत, तेल, चूर्ण की मात्रा कितनी होती है, तो उसकी मात्रा कितनी होती है, प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा कितनी है, एक कोल मतलब की 6 ग्राम। ठीक है, इस तरह से अपन ने स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं कि स्वरस का उपयोग, देखते हैं कि स्वरस का किस में यूज होता है, क्या होता है। स्वरस गुरु एवं बलवान होने के कारण क्या कर रही है, रोग एवं रोगी के बलवान होने पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ये उपयोग हुआ। फिर क्या है दूसरा, औषधि के गुणों में वृद्धि के लिए चूर्ण में उसी द्रव्य के स्वरस की भावना दी जाती है, जैसे कि आमल की रसायन। ठीक है, गुड़ों की वृद्धि के लिए क्या करते हैं, स्वरस की भावना देते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, आमल की रसायन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, दोषों के निवारण करने के लिए और स्वरस की भावना दी जाती है, उसमें एग्जांपल क्या है, अष्टकंचुकी रस में जयपाल की विषाक्तता को दूर करने के लिए किसकी भावना दी जाती है, भृंगराज स्वरस की भावना दी जाती है। ठीक, चौथा क्या है, धातुओं का शोधन और भस्म निर्माण करने के लिए स्वरस की भावना दी जाती है। फिर पांचवा क्या है, निर इंद्रिय द्रव्यों में सा इंद्रिय उत्पन्न करने के लिए स्वरस की भावना दी जाती है। तो आपको स्वरस का उपयोग कैसे याद करना है, सबसे पहला रोगी के बलवान के लिए, दूसरा क्या होगा, गुणों में वृद्धि के लिए, तीसरा क्या है, दोषों का निवारण, चौथा क्या है, धातुओं का शोधन एवं भस्म निर्माण, और पांचवा क्या है, सा इंद्रिय उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप मेन पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्वरस कल्पना कंप्लीट हुआ। तो एक बार आप यहाँ पे याद देख लेते कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं स्वरस कल्पना में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्वरस कल्पना में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि स्वरस कल्पना का पर्याय बताइए। तो पर्याय क्या अपन ने पढ़ा, रस, स्वरस और निर्यास।
ठीक है, परिभाषा आपको ये वाला श्लोक याद करना है कि यंत्र निष्पीड़ितार्थ द्रव आद्रसा स्वरस उच्यते। ठीक, फिर इसमें बोला था कि स्वरस निर्माण की विधि या तो निर्माण विधि पूछ सकता है पूरे की पूरी, तो आपको सामान्य विधि, अनुकल्प विधि, पुटपाक विधि बताना पड़ेगा, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वरस निर्माण में पुटपाक विधि का विस्तृत वर्णन करिए। तो आपको मैंने बताया था कि ऐसा पूछता है क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, पहले स्वरस के पर्याय बताओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसकी परिभाषा बताओगे, फिर पुटपाक विधि बताओगे। पुटपाक विधि में पहले आप एग्जाम्पल बताओगे किन किन पत्रों का पुटपाक विधि से निकालते हैं स्वरस, ठीक है, फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे, ये वाला डायग्राम, फिर डायग्राम बनाने को अगर आपके पास टाइम है तो आप ये डिटेल से लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि स्वरस की मात्रा क्या होती है, तो स्वरस की मात्रा ऐसे ही पूछेगा, या तो पूछेगा पुटपाक स्वरस की मात्रा, या तो पूछेगा सामान्य स्वरस की या स्वरस की मात्रा। तो सामान्य स्वरस की मात्रा कितनी है, अर्धपल 24 ml, और पुटपाक स्वरस की मात्रा कितनी होती है, 1 पल 48 ml, ठीक है। तो यहाँ पे अनुकल्प स्वरस, अग्निसिद्ध स्वरस, पुटपाक स्वरस, तीनों की मात्रा कितनी बताई गई, 1 पल बताई गई है, 48 ml, ठीक है, यहाँ पे स्वरस की मात्रा भी हो गया। अब स्वरस कल्पना का चिकित्सीय महत्व, तो इसको आप अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि स्वरस कल्पना का विस्तृत वर्णन करिए, ठीक है, तो आपको स्वरस कल्पना का विस्तृत वर्णन आता है तो आप यहाँ पर सबसे पहले पर्याय बताओगे, फिर परिभाषा, फिर निर्माण विधि में थोड़ा थोड़ा सा बता देना, सामान्य विधि से थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देना, अनुकल्प में भी थोड़ा सा एग्जाम्पल, पुटपाक में भी एग्जाम्पल दे देना, पुटपाक विधि को आप डिटेल से मत करना, ठीक है, अगर सिर्फ इतना आ रहा है कि स्वरस कल्पना का विस्तृत वर्णन करिए, फिर ये निर्माण विधि हो गई, फिर उसके बाद करेंगे स्वरस की मात्रा बताओगे आप कि पुटपाक स्वरस की, समान स्वरस की मात्रा कितनी होती है, फिर उसके बाद क्या बताओगे, स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य का मान बताओगे कि स्वरस में मधु, शर्करा, गुड़, क्षार, लवण, घृत, तेल की मात्रा कितनी होती है, 1 कोल होती है, और पुटपाक विधि से निर्मित स्वरस में क्या मात्रा होती है, 1 कर्ष होती है, ठीक। फिर अगर आपको, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप चिकित्सीय महत्व लिख देना, 1-2 एग्जाम्पल दे देना, आदरक स्वरस का दे देना, तुलसी स्वरस, 1 एग्जाम्पल देना सफिशियंट है क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप अदरक स्वरस या तुलसी स्वरस का थोड़ा सा दे देना कि तुलसी स्वरस किसमें काम कर रहा है, विषम ज्वर में नष्ट करने में लाभकारी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, स्वरस का उपयोग वैसे लिखना जरूरी तो नहीं है, बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लिख देना, गुणों में वृद्धि, रोगी को बलवान, और दोषों के निवारण में, और साइंद्रिय उत्पन्न करने में, सिर्फ आपको पॉइंट पॉइंट मेन मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये वाला क्वेश्चन अपन का कंप्लीट हो गया, स्वरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे सारे मतलब बन जाएंगे, हमें ऐसा लगता है, अगर आप अच्छे से जैसे मैंने पढ़ाया है, अगर आप पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। फिर आता है कल्क कल्पना, कल्क कल्पना को क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब कल्क कल्पना का, कल्क का मतलब क्या होता है, चटनी, घर में भी बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है, उसी को कल्क कल्पना कहा गया है। कल्क कल्पना का पर्याय क्या है, प्रक्षेप, आवाप और पिष्टी, ठीक है। ये पंचविध कषाय कल्पना की दूसरी कल्पना है, और इसकी सवीरता विधि कितनी है, 1 दिन है, 24 आवर, और स्वरस कल्पना की सवीरता विधि कितनी थी, 7 है, तत्काल, मतलब तुरंत बनाओ तुरंत पियो, ठीक है। इसकी सवीरता विधि कितनी है, 1 दिन है। इसमें क्या कहा गया, पत्थर के शिला पर बारीक पिसे हुए चटनी या लुगदी को क्या कहते हैं, कल्क कहते हैं। घर में पुराने जमाने पहले सिलवट में ही तो कुछ पीसते थे, कुछ भी द्रव्य रहता था, तो उसमें क्या कहा है, पत्थर के शिला पर बारीक पिसे हुए चटनी या लुगदी को क्या कहते हैं, कल्क कहते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, क्या है, या पिंडो रस पिष्टा नाम सा कल्क प्रकीर्तः। आचार्य चरक ने क्या बताया है, या पिंडो रस पिष्टा नाम सा कल्क है प्रकीर्तः, मतलब कि अर्थात द्रव को रस सहित पीसकर पिंड बना लेना क्या कहलाता है, कल्क कहलाता है। रस पिष्टा नाम, रस सहित पीसकर बनाना क्या कहलाता है, कल्क कहलाता है, ठीक है। पिंडो रस पिष्टा नाम, मतलब कि रस सहित पीसकर पिंड बना लेना, कल्क कहलाती है, आचार्य चरक जी ने बताया। अब आचार्य सारंगधर जी क्या बोल रहे हैं, द्रव्यम आत्रम शिला पिष्टम शुष्कम व सा जलम भवेत, अर्थात अगर आद्र द्रव्य है तो उसको क्या करेंगे, शिला पर पीसेंगे, अगर शुष्क द्रव्य है तो उसमें क्या करेंगे, जल मिलाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रक्षेप आवाप कल्क अस्ते तन मानम कर्ष सम्मितम, तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आद द्रव्य को शिला पर पीस करके और शुष्क द्रव्य के चूर्ण में जल मिला करके जो भी पिंड, चटनी, लुगदी, प्रक्षेप, आवाप, कल्क का निर्माण किया, कल्क बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कल्क कहते हैं, ठीक है। उसकी मात्रा कितनी बताई है, तन मान कर्ष सम्मितम, 1 कर्ष होती है कल्क की मात्रा, ठीक है। कल्क की कितनी मात्रा होती है, 1 कर्ष, मतलब की 12 ग्राम बताई गई है, ठीक।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, द्रव्य माध्यम शिला पिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत प्रक्षेप अवाप कलकस्ते तन मानम कर सम्मितम। अगर आप ये वाला श्लोक याद कर लोगे तो आपका यहाँ पे परिभाषा भी पूरी हो जाएगी, पर्याय भी हो जाएगा और उसकी मात्रा भी हो जाएगी कल के। ठीक है, क्या कहा, आद्र द्रव्य को शिला पर पीस कर शुष्क द्रव्य के चूर्ण में जल मिलाकर शिला पर पीस कर जो पिंड चटनी या लुगदी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कल्क कहते हैं। और इसकी मात्रा क्या है, कर से, एक कर से है। इसका पर्याय क्या है, प्रक्षेप आवाप और पिष्टि। ठीक है, कल्क की परिभाषा आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा, स्वरस में प्रक्षेप द्रव्यों का मान। तो यहाँ पे स्वरस नहीं, यहाँ पे कल्क है, यहाँ पर आप लिख लेना कल्क है। ठीक है, तो कल्क में प्रक्षेप द्रव्यों का मान कितना बताया है, अगर मधु घृत तेल मिला रहे हैं तो कल्क से कितने गुना लेना, दो गुना मात्रा में लेना है। ठीक है, अगर शर्करा गुड़ मिला रहे हैं तो कल्क के समान मात्रा में लेना है। अगर जल और द्रव्य पदार्थ मिला रहे हैं तो क्या लेना, चतुर्गुण मात्रा में लेना। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। जैसे आपको ऐसे याद हो जाएगा, शर्करा और गुण दोनों साथ साथ रहते हैं तो शर्करा गुड़ क्या लेना है, कल्क के समान भाग में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे, अब मधु घृत तेल, तो घृत और तेल साथ साथ रहते हैं, तो यहाँ पे मधु घृत तेल को कितना लेना, कल्क से द्विगुण मात्रा में लेना है। इसके अलावा अगर कोई भी ले रहे हैं, जल या द्रव पदार्थ ले रहे हैं, उनकी कितनी मात्रा होगी, कल्क से चतुर्गुण मात्रा में लेना। ठीक है, आपको ये वाला याद करना, क्योंकि वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कल्क में घृत तेल की कितनी मात्रा लेना है, तो द्विगुण मात्रा में। या ऐसा आ सकता है कि मधु प्रक्षेप द्रव्य कल्क में कितना लेना, द्विगुण मात्रा में। जल का कितना है, चतुर्गुण है। और शर्करा और गुण का कितना है, समान भाग में ले। ठीक है, यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, स्वरस में द्रव्य का केवल तरल सार भाग ही लिया जाता है, काष्ठ भाग फेंक दिया जाता है, परंतु कल्क में क्या कहा है, सार भाग और काष्ठ भाग दोनों लिया जाता है, इसलिए स्वरस की अपेक्षा कल्क क्या होता है, लघु होता है। ठीक है, क्या कहा है कि स्वरस में सार भाग लिया जाता है, काष्ठ भाग फेंक देते हैं, जबकि कल्क में क्या लेते हैं, सार और काष्ठ दोनों लेते हैं, इसलिए स्वरस की अपेक्षा कल्क क्या होता है, लघु होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कल्क कल्पना का चिकित्सीय महत्व। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, निम्ब कल्क है। तो निम्ब कल्क का यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल क्या है, निम्ब कल्क है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वैसे आपके घर में भी जैसे नॉर्मली यूज होता है कि जैसे पिंपल्स आ जाते हैं ना चेहरे पे, तो क्या कहते हैं कि निम्ब पत्र का कल्क बना लेते हैं और कुछ पिंपल्स में लगा लेते हैं तो लाभ मिलता है। तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, निम्ब पत्र का कल्क लगाने से व्रण का शोधन एवं रोपण करता है, इसके सेवन से बमन कुष्ठ पित्त विकार कफ विकार कृमि नष्ट हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि जिनको पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, निम्ब का रस पीते हैं, निम्ब का मतलब निम्ब कल्क का उसका रस निकाल करके उसका पान करते हैं। तो क्या बोला इन्होंने कि निम्ब पत्र का कल्क लगाने से क्या हो रहा है, वृण का शोधन और रोपण हो रहा है, और इसका सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बमन कुष्ठ पित्त विकार कफ विकार और कृमि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, रसोन कल्क। तो ठंडी के टाइम पे रसोन कल्क बनता है, मतलब कि रसोन मतलब क्या होता है, लहसुन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, शुद्ध छिलकर निकला हुआ रसोन का कल्क तिल तेल मिलाकर खाने से भीषण वात रोग तथा विषम ज्वरों को नष्ट करता है। विषम वात रोगों में क्या क्या आ रहा है, अपतंत्रक पक्षाघात अर्दित, ये आप रोग निदान में पढ़ोगे, इस डिजीज को डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, रसोन कल्क का किसमें यूज किया जाता है, भीषण वात रोगों में और विषम ज्वरों को नष्ट करता है। निम्ब कल्क में क्या होता है, मेनली क्या इसका यूज होता है, कुष्ठ पित्त विकार में, और क्या होता है, वृण का शोधन एवं रोपण करता है। इस तरह से अपन ने कल्क कल्पना का चिकित्सीय महत्व पढ़ लिया। अब कल्क के उपयोग पढ़ते हैं, क्या है कल्क के उपयोग, सबसे पहला क्या है, औषध रूप में इसे खाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, प्रलेप और प्रदेह, प्रलेप मतलब लगाना, चेहरे पे लेप लगाना। ठीक है, तो क्या होता है, प्रलेप और प्रदेह के रूप में कल्क का प्रयोग करते हैं, वही जो आपको बता था कि पिंपल हो जाता है तो वो लेप करते हैं कल्क का। फिर क्या बोला है, व्रणों को शुद्ध करने या शोथों को दूर करने के लिए कल्क का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा क्या, प्रमथ्या निर्माण में, अभी अपन पढ़ेंगे प्रमथ्या को आगे डिटेल से। तो यहाँ पर क्या कहा है, प्रमथ्या निर्माण में कल्क डालकर किया जाता है। ठीक है, फिर पांचवा क्या है, स्नेह पाक या स्नेह मूर्छन में कल्क डाल करके क्या किया जाता है, भर्छन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कल्क के उपयोग क्या क्या हुए, औषध रूप में, प्रलेप और प्रदेह में, व्रणों को शुद्ध करने में या शोथ को दूर करने में,
प्रमथ्या निर्माण और स्नेह पाक और स्नेह मूर्छना। ठीक है, फिर कलंक की मात्रा कितनी बताई गई है, एक कर्ष बताई गई, यानी कि 12 ग्राम बताई गई। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है और बाकी के जो कल्पनाएं हैं क्वार्थ, हिम और फांट जो हैं वो अगले लेक्चर में अपन कवर करेंगे। चलिए पहले यहाँ पर कल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कल्क के पर्याय बताइए या सवीरता विधि बताइए। कल्क की कितनी होती, तो एक दिन होती है। कल्क का पर्याय क्या है, प्रक्षेप, आवाप और पिष्टि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कल्क कल्पना का विस्तृत वर्णन करिए, जैसे स्वरस कल्पना का था, 5 नंबर में ही आएगा। तो 5 नंबर में अगर आता है तो पर्याय बताओगे, फिर परिभाषा बताओगे ये वाला, या तो आचार चरक के अनुसार बता देना, अगर आपको जो भी श्लोक याद हो ये वाला बता देना, या तो आचार सारंगधर के अनुसार बता देना। वैसे मैं यही कहूंगी आपको कि आचार सारंगधर के अनुसार आप श्लोक याद करना, क्योंकि ये श्लोक अगर आप याद कर लोगे तो आपका परिभाषा भी हो जाएगा, पर्याय भी हो जाएगी और मात्रा भी हो जाएगी कल्क की। क्या है श्लोक, द्रव्य मात्रम शिला पिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत प्रक्षेप आवाप कल्कस्ते तन मानम कर्ष सम्मिता। मतलब कि आर्द्र द्रव्यों को शिला में पीसकर शुष्क द्रव्यों के जल में चूड़ में जल मिला करके जो पिंड चटनी लुगदी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कल्क कहते हैं। और कल्क का पर्याय क्या है, प्रक्षेप आवाप और उसकी मात्रा क्या है, एक कर्ष है। ठीक है, इस तरह से परिभाषा अपन ये वाला श्लोक याद कर लेंगे, या तो कल्क की परिभाषा 2 नंबर में भी आ सकती है, तो आप ये वाला श्लोक लिखना, हिंदी लिखना सफिशियंट है। 5 नंबर में अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पर्याय लिखोगे, परिभाषा लिखोगे, फिर यहाँ पे अपन स्वरस की जगह आप काट के लिख लेना कल्क, इसमें प्रक्षेप द्रव्यों का मान आप ये याद कर लेना। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मधु घृत तेल कल्क से द्विगुण मात्रा में लेना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा कि घृत तेल की कितनी मात्रा लेना है कल्क निर्माण में। ठीक है, तो इसकी मात्रा क्या होगी, द्विगुण हो जाएगी। ठीक है, शर्करा गुड़ की कितनी मात्रा लेना है समान भाग में, और जल और द्रव्य पदार्थ की कितनी मात्रा लेना है चतुर्गुण मात्रा में लेना। आप ये वाला अच्छे से याद कर लेना, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। फिर अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप पहले तो ये पर्याय लिखोगे, परिभाषा लिखोगे, फिर प्रक्षेप द्रव्य बता दोगे मधु घृत तेल इतनी मात्रा में, फिर कल्क की मात्रा बता दोगे कि एक कर्ष ली जाती है। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम बचता ही है वैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप चिकित्सीय महत्व डालोगे। चिकित्सीय महत्व के बाद क्या लिखोगे, एक एग्जांपल दे देना निम्ब कल्क। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, कल्क के उपयोग बताओगे, तो यहाँ पर सिर्फ आप नाम नाम लिख देना, औषध रूप, प्रमथ्या निर्माण, स्नेह पाक, स्नेह मूर्छना। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आप एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो बहुत अच्छे नंबर देगा। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर में क्या पढ़ाया अपन ने। तो आज का लेक्चर अपन ने स्टार्ट किया था पंचविध कषाय कल्पना से। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने पंचविध कषाय कल्पना शब्द का मतलब समझा था कि पंचविध का मतलब होता है 5 तरह का, और कषाय का मतलब क्या होता है, कंठस्थ कर्षणात् प्रायो रोगाणाम व अपिकर्षणात्, मतलब कि जो रोगों का कर्षण करता है और कंठ में लगता है उसे क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं। कल्पना किसे कहा था, जो किसी भी द्रव्य वस्तु में कार्य करने के लिए जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे कल्क या कल्पना कहते हैं। अभी इस पंचविध कषाय कल्पना का संदर्भ ग्रंथ देखते हैं तो क्या बताया गया है, सूत्र स्थान चरक संहिता के 4 में वर्णन किया गया और सारंगधर संहिता के मध्यम खंड 1 में वर्णन किया गया। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था ना कि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, या 1 मार्क्स 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आ रहा है स्वरस कल्पना का विस्तृत वर्णन करिए, तो आपको वहां पे डिटेल्स, मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले आप वहां पे क्या करोगे, संदर्भ ग्रंथ बताओगे कि स्वरस कल्पना का संदर्भ ग्रंथ कहाँ पे बताया गया है। तो आप सबसे पहले ये बताओगे चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में और सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में। ठीक है, या आप संदर्भ ग्रंथ बताओगे किसी भी कल्पना में, पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस का क्वेश्चन आ रहा है, कल्क का क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, संदर्भ ग्रंथ बताओगे, उसके बाद आप पर्याय स्टार्ट करोगे। ठीक, फिर अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, पंचविध कषाय कल्पनाएं देखी थी, कौन कौन सी है, स्वरस कल्क शीत शीत फांट है ना, और ये क्या होती है, यथापूर्व बल आधिक्यम होती है, और क्या होती है, व्याध धातु बल अपेक्षणी न तो एवं सर्वाणी सर्वत उपयोगिनी भवंती। कषाय कल्पना जो होती है वो व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करती है। क्या चार चरक ने क्या बताया कि स्वरस कल्पना जो होती सबसे गुरु होती है, उत्तरोत्तर क्या होती है, लघु होती जाती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इन्होंने क्या कहा, क्षीर कल्पना जो होती सबसे गुरु होती है, उत्तरोत्तर लघु होती जाती है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे अपन ने चार्ट पढ़ा था कि आचार के अकॉर्डिंग तो आचार्य चरक, बागभट्ट और सारंगधर ने पंचविध कषाय कल्पना मानी है। कौन कौन सी, स्वरस कल्क श्रित शीत और फांट, आचार्य सुश्रुत ने षड्विध कल्पना मानी, इन्होंने पंचविध में एक ऐड कर दिया क्षीर कल्पना को, और आचार्य काश्यप जी ने सप्तविध कल्पना मानी, उन्होंने क्या किया, चूड़ और
अभी सौ को ऐड कर दिया, तो आपको ये भी बोला गया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। फिर द्रव्यों के वीर अनुसार कल्पना पड़ी थी, स्वरस उकात कल्पना है तो उसमें द्रव्य के वीर की किस महाभूत से प्रधानता मतलब समानता बताई गई है, तो जलयांश की अधिकता। चूर कल्पना में किस महाभूत से समानता, पार्थिवांश से। ठीक है, कल कल्पना में पार्थिव और जलयांश से, और सुगंधी द्रव्य का क्या करते हैं, क्वाथ का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि सुगंधी द्रव्य जो है अगर क्वाथ का निर्माण करेंगे तो उड़नशील होने का उनकी गंध जो है उड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए उनका क्वाथ का निर्माण नहीं करते। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, पंच कषाय योनि देखा था कि पंच कषाय योनि कौन कौन सी होती है, तो मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु तिक्त कषाय था। ठीक है, छठी लवण रस को कषाय योनि नहीं माना गया था क्योंकि वह पूर्ण रूप से जल में घुल जाती है, इससे कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए लवण रस को कषाय योनि में नहीं रखा गया। फिर अपन यहाँ से स्टार्ट हो गया था कि स्वरस कल्पना, स्वरस कल्पना के पर्याय पढ़ लिया था अपन ने, रस स्वरस निर्यास क्या होती है, इसकी सवीरता विधि तत्काल होती, याद करने को बोला था क्योंकि वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि यंत्र निष्पीड़िता द्रव आदर्शा स्वरस उच्यते, मतलब कि यंत्र से दबा करके जो निकालने से जो रस निकलते उसे क्या कहते हैं, स्वरस कहते हैं। फिर निर्माण विधि अपन ने देखी थी स्वरस की, तीन विधि की थी, कौन कौन सी, सामान्य विधि, अनुकल्प विधि, पुटपाक विधि। इसमें से पुटपाक विधि जो थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पांच नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही कैसा पुटपाक विधि का वर्णन करिए, स्वरस निर्माण विधि में पुटपाक विधि का निश्चित वर्णन करिए। यहाँ पे आपको बताया था सबसे पहले कि आप ये एग्जांपल बताओगे, ठीक है, एग्जांपल के बाद फिर आप क्या बताओगे, डायग्राम बनाओगे ये वाला पूरा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल से लिखोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गोले का निर्माण करेंगे, पिंडी जैसा गोला बनाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, वट पत्र, गंभीर पत्र, जम्बू पत्र आदि का बंधन कर देंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, गोधूम का एक अंगुल मोटा लेप करेंगे, तो उसी लेप के ऊपर क्या करेंगे, मुल्तानी मिट्टी का दो अंगुल मोटा लेप करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन बोला था कि वट पत्र, गंभारी पत्र और जम्बू पत्र आदि, ये आप याद कर लेना, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन में कि पुटपाक विधि में किस पत्र का बंधन करते हैं, किस पत्र से पिंड या गोला को बांधते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वट पत्र होगा या गंभारी पत्र, जम्बू पत्र आदि पत्र। ठीक है, फिर क्या किया, मुल्तानी मिट्टी का लेप कर दिया, फिर उसको वन उपल में अग्नि में पकाया, पाक किया कब तक, जब तक वो लाल वर्ण ना हो जाए, लाल वर्ण जब हो गया तो उसको क्या किया, तुरंत अग्नि से निकाला, और उसमें जो लेप किया था, बंधन किया तो उसको हटाया, और जो कल्क था, पिंड था, उसको वस्त्र से क्या किया, निचोड़ लिया और सरस निकलाया। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है, गर्म कल्क को, कल्क को ठंडा नहीं करना है, गर्म ही गर्म उसको क्या करना है, वस्त्र से निचोड़ना, तो सरस निकल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा था कि पुटपाक विधि से ही समझ में आ रहा है कि पुट में पाक करने से जो स्वरस निकल रहा है वो पुटपाक विधि है। ठीक, फिर स्वरस की मात्रा बताई गई थी कि सामान्य स्वरस की मात्रा कितनी होती है, अर्धपल होती है, और पुटपाक स्वरस, अनुकल्प स्वरस, अग्नि सिद्ध स्वरस की मात्रा कितनी होती है, एक पल होती है। ठीक, फिर इसका चिकित्सीय महत्व बताया था कि आद्रक स्वरस जो होता है वृषणगत वात श्वास काश अरुचि प्रतिसाय को नष्ट करता है अगर इसका मधु के साथ सेवन कर रहे हैं। फिर तुलसी स्वरस में बताया था अगर इसका मरीच चूर्ण के साथ मिलाकर पी रहे हैं तो क्या कर रहा है, विषम ज्वर को नष्ट करता है। और बासा पुटपाक स्वरस क्या होता है, रक्त पित्त काश ज्वर और क्षय को जीतता है। ठीक, फिर इसमें प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा बताई थी कि अगर पुटपाक विधि से निर्मित स्वरस में अगर मधु की मात्रा पूछा जा रहा तो कितना होगा, एक कल्स होगा। अगर उसमें स्वरस, मधु, शर्करा, गुड़ की मात्रा पूछ रहे हैं तो कितनी होगी, एक कोल होगा, जो कि 6 ग्राम के बराबर होता है, और एक कल्स जो होता है 12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, फिर स्वरस का उपयोग बताया था कि रोगी के बलवान के लिए, गुड़ों में वृद्धि, दोषों के निवारण के लिए, और क्या कहते हैं, धातुओं का शोधन और भस्म निर्माण में, और साइंद्रिय उत्पन्न करने के लिए स्वरस का उपयोग किया जाता है। इस तरह से स्वरस कल्पना यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट किया था कल के कल्पना, तो कल कल्पना का पर्याय बताया था क्या, प्रक्षेप, आवाप और पिष्टि। इसकी सवीरता विधि कितनी बताई थी, एक दिन बताई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको श्लोक बोला था परिभाषा में, ये वाला श्लोक याद कर लेना, द्रव्य माद्रम शिलापिष्टम शुष्कम वासा जलम भवे प्रक्षेप आवाप कल्कस्ते तन्मान कर्च संहिता। ठीक है, आप ये श्लोक याद कर लोगे तो आपको पर्याय भी, मात्रा भी और परिभाषा भी याद हो जाएगी कल्क की। ठीक है, फिर उसमें क्या बोला था, कल्क में प्रक्षेप द्रव्यों का मान याद करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला था, अगर क्वेश्चन आता है कि मधुघृत तेल में, मधुघृत तेल का कल्क निर्माण में कितनी मात्रा लेना है, तो द्विगुण मात्रा, शर्करा गुड़ की कितनी मात्रा है समान भाग में, और जल की कितनी मात्रा है चतुर्गुण भाग, चतुर्गुण मात्रा में लेना। ठीक, फिर इसका चिकित्सीय महत्व पढ़ा था कल्क का, तो क्या था, निम्ब
कल्प निम्बकल्प कल्प जो होता है मेनली क्या होता है वृण शोधन या वृण रोपण में किया जाता है, और इसका क्या इसका सेवन करने से क्या होता है कुष्ठ पित्त विकार और कृमि नष्ट होते हैं। तो दूसरा क्या था रसोन कल्प, रसोन कल्प क्या होता है भीषण वात रोग और विषम ज्वर को नष्ट करता है। फिर कल्प के उपयोग पड़े थे कि औषध रूप में किया जाता है प्रलेप और प्रदेह में, व्रणों को शुद्ध करने में, शोथ को दूर करने में, प्रमथ्या निर्माण में, स्नेह पाक और स्नेह मूर्छना में कल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर कल्प की मात्रा कितनी बताई थी 1 एकड़ 112 ग्राम। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अपन ने यहाँ पे पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस और कल्प से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है, और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में अपन आगे की कल्पना को स्टार्ट करेंगे क्वाथ हिम और फांड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।